हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। आज हम आगे हमारे टेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किन किन कंडीशंस में होता है या हम कहाँ कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो जब कोई कार्य वर्तमान में अभी अभी हुआ हो तो हम उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। कार्य वर्तमान में अभी अभी हुआ हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कोई कार्य है, वो कार्य कब शुरू हुआ था? पास्ट में, और वो कंटिन्यू चलते चलते अभी फिनिश हुआ है, और अभी क्या है आपका प्रेजेंट टाइम है, तो उसे दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। पहले पॉइंट। सेकेंडरी, अगर कोई कार्य पास्ट में हो चुका हो लेकिन उसका प्रभाव, एक्सपीरियंस या अचीवमेंट के रूप में आपके साथ वर्तमान में भी वो मौजूद है, तो उसे हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। दूसरा है, पास्ट में कंप्लीट हो गया है लेकिन प्रभाव, एक्सपीरियंस या कहें अचीवमेंट प्रेजेंट में नज़र आ रहा है, तो उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। ओके, तो जैसे हम बोलते हैं कि मैंने PGDCA किया था, या मैंने 12th की, या मैंने कोई सी भी डिग्री करी, या मैंने कोई सी एग्ज़ाम पास करी, लेकिन उस एग्ज़ाम की जो वैलिडिटी है कितने साल की है? 7 साल की है या 10 साल की है। तो ये काम तो मैंने बहुत वक्त पहले किया था, लेकिन उसका जो प्रभाव है, एक्सपीरियंस है, या वो अचीवमेंट जो है वो आज भी बरकरार है, तो उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम उस पास्ट टाइम का उल्लेख हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखेंगे। लेकिन इसमें एक और पॉइंट हम देखते हैं कि वो कार्य पास्ट में तो कंप्लीट हुआ है, उसका प्रभाव भी है, लेकिन जब हम सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें टाइम मेंशन नहीं होगा। अगर टाइम मेंशन होगा तो वो अलग टाइम्स में चला जाएगा, लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसमें हमें कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा, टाइम मेंशन नहीं दिया जाएगा। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा सब्जेक्ट हैज हैव से पता चलता है कि ये परफेक्ट टेंस है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अगर हम देखें नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इंट्रोगेटिव देखेंगे तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन में ही नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब थी हैज हैव, जिसको आगे करके हमने इसका क्वेश्चन मार्क बनाया। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं ताकि हमको ये टेंस और अच्छे से समझ में आए।
तो पहला सेंटेंस मैं लेती हूँ, ही हैज डन होमवर्क रिसेंटली. ही हैज डन होमवर्क रिसेंटली. उसने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. हिंदी में आपको शब्द समझ में आएगा लिया है ना. और अब इसमें क्या दिख रहा है कि होमवर्क करने बैठा तो बहुत पहले था, लेकिन ख़त्म कब हुआ? अभी हुआ, प्रेजेंट में हुआ, इसलिए यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया. इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे और बाकी सेंटेंस वैसा ही चलेगा. ही हैज़ नॉट डन होमवर्क रिसेंटली. और जब हमें इसका क्वेश्चन मार्क बनाना हो तो क्या बनाएंगे, हैज ही डन हिज होमवर्क रिसेंटली और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. अगर क्वेश्चन मार्क का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, हैज ही नॉट डन हिज होमवर्क रिसेंटली. तो इस प्रकार से हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ होगा, तो ऐसा कार्य जो वर्तमान में अभी अभी हुआ हो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, या पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ हो लेकिन इसका प्रभाव एक्सपीरियंस अचीवमेंट प्रेजेंट में भी नजर आए तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे. देन इसमें टाइम का मेंशन नहीं होता है. अब हमने इसके स्ट्रक्चर्स देखे, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हैज हैव के बाद नॉट लगता है. अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ये हैज हैव आगे आ जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. इसी का हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, हैज हैव सब्जेक्ट के बाद नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. और हमने एग्जाम्पल देखा जिसको हमने चारों फॉर्म्स में बना के देखा. सो आई होप आपको मेरा वीडियो में जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाया वो समझ में आ गया हो. आप अलग अलग सेंटेंस बना के देखिएगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करिए और बताइए कि किस सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है. मैं उसे डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. सो थैंक यू फॉर नाउ. बाय बाय.